वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी। टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ फाइन आर्ट्स ऑफ क्लास प्लस टू। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी आर्ट। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी आर्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान इज सराउंडेड बाय पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। दीज आर द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड वन कंट्री ऑल्सो दैट इज पाकिस्तान। राजस्थान मीन्स प्लेस ऑफ राजाज, दैट मीन्स किंग्स, और प्लेस ऑफ स्टेट्स। So there were so many kings and states at that time, and this place is known as Rajasthan. Rajasthan ka meaning hai place of rajas, place of kings or place of states, kyunki wahan pe kafi sare kings aur states the us time pe, isliye uska naam Rajasthan rakh diya gaya tha. Rajasthan art is not a new school of art. राजस्थान आर्ट स्कूल ऑफ आर्ट है जो वो कोई न्यू स्कूल ऑफ आर्ट नहीं है, बट इट वॉज अ रिफाइंड एंड प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ द सेम इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट। ये रिफाइंड और प्योरीफाइड फॉर्म है, एक रिफाइंड फॉर्म है, एक इम्प्रूव्ड फॉर्म है इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट की, विच वॉज डेवलप्ड इन राजस्थान, गुजरात एंड मेवाड़ एज अ न्यू स्कूल ऑफ आर्ट, इज ऑल्सो नोन एज राजस्थानी और राजपूत और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट। और ये राजस्थान, गुजरात और मेवाड़ के एरिया में डेवलप हुआ था, और इसके और भी नेम्स हैं जैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट तो इसका नाम है ही, साथ में राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट और हिंदू स्कूल ऑफ आर्ट, दीज आर ऑल्सो द नेम्स ऑफ दिस सेम आर्ट। दिस आर्ट वॉज बेस्ड ऑन द हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोएट्री, रिलीजन, राग एंड रागनीज, रीतिकला पेंटिंग्स एटसेट्रा। तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में, हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोएट्री, रिलीजन, राग एंड रागनीज, रीतिकला पेंटिंग्स। राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेट एज मिनिएचर, बट इट वाज प्राइमरली अ म्यूरल आर्ट। तो राजस्थानी आर्ट है जो राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, वो एज मिनिएचर पेंटिंग के जैसे नहीं डेवलप हुआ, ओरिजिनेट हुआ, वो एक म्यूरल आर्ट है। म्यूरल आर्ट होती है जो जैसे किसी लार्ज एरिया पे या किसी पब्लिक प्लेस पे एक लार्ज वॉल पे कोई पेंटिंग बनाई होती है, दैट इज कॉल्ड म्यूरल आर्ट। तो ये भी एक टाइप की म्यूरल आर्ट थी, ये पब्लिक प्लेसेस पे और वॉल्स वगैरह पे बनाई गई थी। दिस आर्ट वॉज डेवलप्ड अंडर द राजपूत किंग्स, सो इट इज कॉल्ड राजपूत आर्ट। ये आर्ट राजपूत किंग्स के अंडर डेवलप हुई है, क्योंकि राजस्थान में उस टाइम पे राजपूत किंग्स थे, तो राजपूत किंग्स के अंडर ये डेवलप हुई आर्ट, इसलिए इसे राजपूत आर्ट भी कहते हैं। अ नंबर ऑफ पेंटिंग्स वर डन ऑन रोमांस एंड जनरल फोक थीम्स। और इसमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं जो वो इन्हीं थीम्स के ऊपर रिलेटेड हैं, जैसे रोमांस पे और साथ में जनरल फोक थीम्स पे, वहाँ के लोकल फोक थीम्स उनको इसमें लिया गया। द होल राजस्थान वॉज अफेक्टेड बाई द अटैक ऑफ द मुगल्स, बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल द लास्ट। राजस्थान पूरे का पूरा राजस्थान मुगल्स के कंट्रोल में आ गया था, बट जो मेवाड़ एरिया था वो पूरे का पूरा आउट ऑफ कंट्रोल रहा उनके, मुगल्स के, तो मुगल के कंट्रोल में नहीं था। This was the reason that राजस्थानी स्कूल flourished first in मेवाड़। तो यही रीज़न था कि राजस्थानी स्कूल है जो वो मेवाड़ में ही सबसे पहले फ्लोरिश हुआ, सबसे पहले स्टार्ट हुआ और उसके डेवलपमेंट हुई वहाँ पे। एंड लेटर ऑन इन जयपुर, जोधपुर, अंबार, कोटा, बूंदी, किशनगढ़,
बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। तो बाद में ये इन प्लेसेस पे भी डेवलप होता चला गया। मेवाड़ हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। मेवाड़ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में, क्योंकि जैसे हमने पहले पिछली स्लाइड में देखा था, मेवाड़ मुगल्स के कंट्रोल में नहीं था, तो इसलिए वहाँ पे जो ओरिजिनल आर्ट थी राजस्थान की वो डेवलप हुई, और वहाँ का कल्चर और ट्रेडिशन, उसमें ओरिजिनल राजस्थानी कल्चर जो देखा जा सकता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन स्कूल अलॉन्ग विद ओरिजिनल इंडियन आर्ट। ये गुजरात और जैन स्कूल का मिक्सचर है, और साथ में ओरिजिनल इंडियन आर्ट को भी इसमें मिक्सिंग मिलती है। बट राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट इज अ प्योर इंडियन आर्ट। राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट है जो एक प्योर इंडियन आर्ट है, बिकॉज ये मेवाड़ से स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे इंडियन कल्चर का इफेक्ट साफ दिखाई देता है। इवन टुडे नाथवाड़ा पेंटिंग्स आर वेरी फेमस। मोर ऑफ द पेंटिंग्स डिपिक्ट लव सीन्स ऑफ राधा एंड कृष्णा। जो नाथवाड़ा प्लेस है वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई गई हैं, वो काफ़ी फेमस है आज के टाइम पे भी, और वहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग जो उसमें से राधा और कृष्णा के लव सीन्स वहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं पेंटिंग्स में। द स्टेट जागीर विच वॉज इनहेरिटेड बाय किशन सिंह, द 8th सन ऑफ राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर इज नोन एज किशनगढ़। जो राजा उदय सिंह था जोधपुर का, उसका 8th सन किशन सिंह, उसकी जागीर को किशनगढ़ का नाम दिया गया था, उसके नाम पे ही, किशन के नाम पे, किशन सिंह के नाम पे किशनगढ़ का नाम दिया गया था। दिस स्टेट इज सराउंडेड बाय जयपुर, जोधपुर एंड अजमेर। दीज आर द 3 नेबरिंग प्लेसेस ऑफ किशनगढ़। द पैलेस ऑफ किशन सिंह इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ ब्यूटिफुल लेक। तो उसका पैलेस था जो एक लेक के किनारे पे बना हुआ है। राजा सावंत सिंह वॉज अ गुड पोएट। राजा सावंत सिंह था एक, वो काफ़ी अच्छे पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नगरी दास, बाय विच ही बिकेम फेमस लेटर ऑन। तो उनका नाम नगरी दास भी लिया जाता था उस टाइम पे, और उसी नाम से वो बाद में फेमस हुए। He was a devotee of Krishna, being the follower of Vallabh sect. तो कृष्णा की पूजा करता था, वल्लभ सेक्ट से रिलेटेड था वो, हिंदू रिलीजन के वल्लभ सेक्ट से रिलेटेड था। He was a great lover of beautiful things, that is nature, women, music, poems, etc. He fell in love with the girl who served as a maid servant to his stepmother. उसके stepmother की एक maid servant थी, उसके साथ उसे प्यार हो गया, और This girl whose real name is not known. उसका real name, उस girl का real name अभी तक पता नहीं है, was called Bunny Thani, which means smart and well dressed. तो उसको real name उसका मालूम नहीं है, इसलिए उसे एक name दे दिया गया, Bunny Thani. That means smart and well dressed. She was a singer and had knowledge of poetry. वो एक singer थी, सिंगिंग की नॉलेज थी उसे, और पोएट्री की भी नॉलेज थी साथ में। दे गॉट मैरिड, दोनों की शादी हो गई। दे वेंट टू वृंदावन एंड स्पेंट देयर लाइफ देयर। तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता था कि रॉयल क्लास को लोअर क्लास के साथ मैरिज करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए आफ्टर मैरिज उनको वो एरिया छोड़ना पड़ा, और वो जाके वृंदावन में रहने लगे, और वहीं पर उन्होंने अपनी सारी लाइफ स्पेंड की। सावत सिंह डाइड In 1764 and Bunny Thani died a year later. Sawan Singh की death हो गई 1764 में, और उसकी wife की एक साल बाद। Radha of Kishangarh or Bunny Thani is the most beautiful painting of that time. तो Bunny Thani थी जो, उसको Kishangarh की राधा कहा जाता था, और दो जो पेंटिंग है उसकी, वो उस टाइम की सबसे ब्यूटीफुल पेंटिंग मानी जाती है।
The pictorial art of Rajasthan shows the sentiments of love and devotion with exuberant joys of life. तो जो pictorial art है राजस्थान की, उसमें love and devotion और joys of life ये clear दिखते हैं. Exuberant means full of energy. Central theme is love. तो जो central theme है इन paintings का, pictorial art का, वो love है. Love is conceived as the symbol of the union. The lovers were always presented as Radha and Krishna. तो जो lovers को हमेशा राधा और कृष्णा की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है इन पिक्चर्स में, इन पेंटिंग्स में. द फिगर ऑफ कृष्णा स्टैंड्स फॉर द डिवाइन सोल एंड राधा फॉर द ह्यूमन सोल. कृष्णा की फिगर है, उसको डिवाइन सोल के सिंबल के तौर पर लिया जाता है और राधा को ह्यूमन सोल के सिंबल के तौर पर देखा जाता है. द राजस्थान आर्ट डिवेलप्ड इन होल राजस्थान अ डीप इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट्स. राजस्थानी आर्ट है जो, वो पूरे के पूरे राजस्थान में डिवेलप हुई, क्योंकि जब मेवाड़ से ये स्टार्ट हुई तो उसके बाद उसका एक्सपेंड होती गई आर्ट ये, और पूरे के पूरे राजस्थान में डिवेलप होती चली गई. सो राजस्थान आर्ट इज डिपेक्टेड इन द सेम वे एज इन सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान. तो राजस्थान आर्ट को भी उसी सेम वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान को करते हैं. तो सब स्कूल्स ऑफ राजस्थान है जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट, बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट, जोधपुर स्कूल ऑफ आर्ट, अजमेर स्कूल ऑफ आर्ट, बीकानेर स्कूल ऑफ आर्ट एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट. ये सारे सब स्कूल्स हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट के. तो ये थी इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट. और एक प्लस टू क्लास के बाद, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट एज एग्जाम, तो यहाँ पे हमारा एक चैनल स्टार्ट किया है द ड्रीम हाइट्स. यूट्यूब पे चैनल है द ड्रीम हाइट्स, उस पर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं लिसनिंग के. 3 प्रैक्टिस टेस्ट लग चुके हैं अभी तक और ऑलमोस्ट डेली न्यू टेस्ट अपलोड किया जाता है वहाँ पे. इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इस चैनल पे आके आप अपनी आईएएस एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. लिसनिंग टेस्ट सीरीज चल रही है, 3 वीडियोस ऑलरेडी वहाँ पे हैं उस चैनल पे द ड्रीम हाइट्स. तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को और साथ में अपनी आईएएस एग्जाम की प्रेपरेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो. ऐसी और फाइन आर्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.